हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र कक्षा आठवीं सामाजिक विज्ञान के पेपर का संपूर्ण हल लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, तो उसमें आपका समय 3 घंटे का रहने वाला है। पूर्णांक आपका होगा दोस्तों 60 नंबर का। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देर किए। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न देख सकते हैं, 1 से 5 तक के दिए हुए निर्देश दिया हुआ है। इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। दोस्तों, सबसे पहले आप पेपर देख लीजिए किस प्रकार से आपके एग्जाम में पेपर आने वाला है, फिर हम आपको सारे क्वेश्चन के आंसर अभी हम आपको बता रहे हैं वीडियो के लास्ट में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए पेपर किस प्रकार से आएगा आपके एग्जाम में। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ बहुविकल्पी में, फिर इसके बाद दूसरा दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है, पाँचवा दिया हुआ है। फिर इसके बाद देख सकते हैं रिक्त स्थान दिए हुए हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के रिक्त स्थान आएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न दिए हुए, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक के अति लघु उत्तरी प्रश्न दिए हुए। फिर इसके बाद देख सकते हैं लघु उत्तरी प्रश्न दिए हुए, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के। तो आप दोस्तों देख सकते हैं सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इस फिर हम आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर बता रहे हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। फिर इसके बाद देख सकते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिए हुए, प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिए हुए 26 तक के क्वेश्चन। अब दोस्तों सारे क्वेश्चन के आंसर नोट करिएगा अपनी कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ बहुविकल्पी में, प्रश्न 1, सन 1765 में किस गवर्नर ने मुगल बादशाह से बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मुंडरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वॉरेन हेस्टिंग्स, खा नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ, इतिहास में विकास का युग कहा जाता है, प्राचीन काल को, मध्यकाल को, आधुनिक काल को या फिर उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आधुनिक काल को, गा नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ, इसमें संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया या फिर कार्यपालिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें मीडिया। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री द्वारा भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? कोलंबस, वास्को डिगामा, विलियम हॉकिंस, मार्को पोलो। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें वास्को डिगामा, खा नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक के। तो निर्देश दिया हुआ इसमें, प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। पहला क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, भारत में धान चावल की फसल रिक्त स्थान ऋतु में बोई जाती है, तो उत्तर हो जाएगा इसका वर्षा ऋतु। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, लोकसभा में रिक्त स्थान कुल सदस्य निर्वाचित होते हैं, उत्तर हो जाएगा इसमें 543। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ, वे संसाधन जिनका सीमित भंडार रिक्त स्थान कहलाते हैं, उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण के पतली परत रिक्त स्थान कहलाती है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मृदा। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें ब्रिटिश काल में भारत में कपड़े रंगने के लिए रिक्त स्थान की खेती की जाती थी, उत्तर हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, अति लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न पत्र क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के। तो इसमें निर्देश दिया हुआ, प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। 11वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है, तो उत्तर हो जाएगा इसमें प्रत्येक 10 वर्ष को। 12वां क्वेश्चन दिया हुआ, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए, उत्तर हो जाएगा इसमें संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले इंग्लिश फैक्ट्री सन 1691 किस नदी के किनारे स्थापित की गई, उत्तर हो जाएगा इसमें हुगली नदी। 14वां क्वेश्चन दिया हुआ, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 16वां क्वेश्चन दिया, 15वां क्वेश्चन दिया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का उपयोग किस कार्य में होता है, उत्तर हो जाएगा इसमें
वोट डालने या वोटों की गिनती करने के लिए। 16वां नंबर क्वेश्चन लिया हुआ है, भारत के किस भाग में झूमिंग खेती की जाती है? उत्तर जाएगा इसमें उत्तर पूर्वी भारत। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के। निर्देश दिया हुआ है इसमें, प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिलेखागार से क्या आशय है? तो उत्तर दिया हुआ है इसमें, अभिलेखागार ऐसे दस्तावेजों या अभिलेखों का संग्रह है जिन्हें प्रमाण के रूप में या सांस्कृतिक या ऐतिहासिक और अन्य शोध हेतु जानकारी के स्रोत के रूप में उनके मूल के कारण स्थायी संरक्षण के लिए चुना गया है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। 18वां क्वेश्चन दिया हुआ, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? दो उदाहरण दीजिए। उत्तर दिया हुआ है, प्रौद्योगिकी व्यवहारिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित अध्ययन या समूह या विज्ञान का समूह। उदाहरण दिया हुआ है, मूर्त उपकरण और सॉफ्टवेयर। 19वां क्वेश्चन दिया हुआ, ब्रिटिश काल में महाभियोग से क्या आशय था? किस गवर्नर पर महाभियोग लगाया गया था? तो उत्तर दिया हुआ इसमें, कि जब किसी बड़े प्रशंसक पर राज्य के समक्ष अपराध का दोषारोपण होता है तो उसे महाभियोग कहा जाता है। बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर 1787 और 1795 के बीच महाभियोग चलाने का प्रयास किया गया था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव मंडल किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया हुआ है इसमें, पृथ्वी का वह पूरा क्षेत्र जिस पर समस्त प्रकार के जीवों, जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों आदि का जीवन संभव हो सकता है, जैव मंडल कहलाता है। 21वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है? उत्तर दिया हुआ है इसमें, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य, राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखने तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। 22वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कृषि की महलवाड़ी राजस्व व्यवस्था को संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर दिया हुआ है इसमें, महलवाड़ी व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंतर्गत गाँव के मुखिया के साथ सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था जिसे महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। इसमें गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण महल या संपूर्ण गांव की उपज के आधार पर किया जाता था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दीर्घ उत्तरी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से लेकर 26 तक के। निर्देश दिया हुआ इसमें, प्रश्नों के उत्तर 75 से 120 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। 23वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, सहायक संधि की शर्तें लिखिए। सहायक संधि की शर्तें निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन करने वाले भारतीय शासक को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों को भंग करना पड़ा और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को स्वीकार करना पड़ा। दूसरा पॉइंट दिया हुआ इसमें, भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना का भुगतान करना पड़ेगा। अगर वह भुगतान करने में असफल हुआ तो उनके क्षेत्र में से एक भाग को अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। 24वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, खाद्य फसलों में एवं व्यावसायिक फसलों में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो उत्तर दिया हुआ है इसमें, खाद्य फसलें निर्वाह फसलें हैं जो मानव उपभोग के लिए हैं। इनमें फल, सब्जियां, अनाज और आलू जैसे कंद शामिल हैं। अनाज जिसमें गेहूं, चावल और मक्का जैसी फसलें शामिल हैं। व्यावसायिक फसलें एक कृषि फसल जो लाभ से बचने के लिए उगाई जाती है जैसे व्यावसायिक फसल कहा जाता है। तंबाकू व्यावसायिक खेती का एक उदाहरण है। 25वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जल की उपलब्धता क्यों कम हो रही है? जल बचाव की कोई 4 विधियां लिखिए। उत्तर दिया हुआ, देश में पानी के परंपरागत स्रोत कम वर्षा व बेहतरीन दोहन के चलते खत्म होते जा रहे हैं, इस कारण भूजल स्तर घटता जा रहा है। उत्तर दिया हुआ इसमें, जल संरक्षण के उपाय। पहला पॉइंट दिया हुआ है, आपको जितनी आवश्यकता हो उतने ही जल का उपयोग करें। दूसरा पॉइंट दिया हुआ, पानी के नालों को इस्तेमाल करने के बाद बंद कर रखें। तीसरा दिया हुआ, मंजन करते समय नल को बंद रखें तथा आवश्यकता होने पर ही खोलें ना। चौथा दिया हुआ, नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ ना करें। 26वां क्वेश्चन दिया हुआ, जैविक खेती से क्या आशय है? इसकी उपयोगिता के संबंध में अपना मत लिखिए। उत्तर दिया हुआ है, जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशियों के स्थान पर जीवांश खाद, पोषक तत्वों, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, जीवाणु कल्चर, जैविक खाद आदि का उपयोग किया जाता है जिससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है। उपयोगिता मत जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत कम होती है। इसके साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।